रहीम नाइन्थ की फिजिक्स है और हमारे पास लास्ट इसका न्यूमेरिकल जो है ना वो रह गया है, बाकी हम सारे हल कर चुके हैं। तो लिखा है इसमें 10.10 3.10 हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी इज नीडेड, जरूरत है टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg जिसम का एक मास है टू मूव, उसे कहते हैं मूव करने के लिए, उसे हरकत देने के लिए, उसे घुमाने के लिए आपको कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है इन अ सर्कल, सर्कल में ऑफ ए रेडियस 50 cm विद अ स्पीड 3 m/s। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सिचुएशन आ गई, सोल्यूशन सेंट्रीपिटल फोर्स हमने फाइंड करनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जिसको जाहिर किया जाता है एफ और सी से, एफ फोर्स है और सी सेंट्रीपिटल फोर्स है। नेक्स्ट हमें जो मास, हमारे पास बॉडी ऑफ अ मास एम इट्स इक्वल 0.5 kg टू मूव इन द सर्कल ऑफ रेडियस, हमें रेडियस दिया है, सर्कल ऑफ रेडियस या अकेला रेडियस लिख सकते हैं, आर इट्स इक्वल 50 cm। तो ये 50 cm को जब हमने डिवाइड 100 किया तो सेंटीमीटर से कन्वर्ट होकर ये बन गया मीटर, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में नहीं बल्कि मीटर में पाया जाता है। तो जब हमने इसे 100 पर डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.5 m। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ सी इट्स इक्वल एम वी का स्केयर और डिवाइड है आर के, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, एफ सी इट्स इक्वल एम वी का स्केयर ओवर आर। तो देखिएगा हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कितनी आसानी से इसने हल हो जाना है। एम की वैल्यू क्या है मास की 0.5, वी की वैल्यू क्या है वो तो हम रह गया हमारा, विद अ स्पीड 3 m, हमारे पास स्पीड क्या है जी, ये स्पीड जो वेलोसिटी है v, स्पीड जो है वो क्या है 3 m/s। आगे v की वैल्यू हमें इधर दे दी है वो 3, और ऊपर उसका क्या लिखूंगा स्केयर, और डिवाइड क्या है जी r, और r भी कितना आ चुका है 0.5 आ चुका है। fc 0.5, 3 का स्केयर खोलेंगे तो क्या आएगा 9, और डिवाइड क्या है 0.5 से चला गया, बाकी क्या रह जाएगा 9। तो मेरे पास एफ सी इट्स इक्वल कितना आ गया 9 newton, ये हमारे पास है आंसर, और इंतहाई इजी, और हमारे 3 units कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि एक पोर्शन हमारा जिसमें से न्यूमेरिकल आता है वो कंप्लीट हो चुका है। अंडरस्टैंड।